हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो देखिए, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं स्टील में टाइप ऑफ जॉइंट। देखिए, हेडिंग डालिए आप सबसे पहले टाइप ऑफ जॉइंट। अब देखो, मैंने आपको पहले पहले नहीं बताया था कि भाई स्ट्रक्चर में क्या होता है। स्ट्रक्चर में मुझे दो मोमेंट या दो मेंबर क्या करने पड़ते हैं, कनेक्ट करने पड़ते हैं आपस में, ठीक है। अब उनको जब मैं कनेक्ट करता हूँ तो मेंबर की पोजीशन कैसी है, ठीक है, उनका प्लेन कहाँ पे आ रहा है, तो उसके हिसाब से अलग अलग टाइप के जॉइंट प्रोवाइड करवाए जाते हैं कनेक्शन में, ठीक है ना। पहला पहला जो जॉइंट होता है वो होता है आपका लेफ्ट जॉइंट। तो पहली एडिंग डाली आप लोग इसमें लेफ्ट जॉइंट। देखो, नाम से ही आपको पता लग रहा होगा लेफ्ट, दैट मींस जो आपके मेंबर है उनमें कहीं ना कहीं लेफ्ट ही आ रही है, ठीक है ना। इसको समझाने के लिए जस्ट मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। लाइक इस तरीके से ये देखें आप, यहाँ पे ये आपके पास एक कोई प्लेट है, ठीक है ना, और ये आपके पास कोई दूसरी प्लेट है, ठीक है। अब ये जो दोनों प्लेट हैं, इनका जो प्लेन है वो क्या है, अलग अलग है, ठीक है। ये एक ऊपर है प्लेट और एक ये नीचे प्लेट है। इस प्लेट का अगर मैं प्लेन देखूं तो इधर कहीं है और इस प्लेट का देखो तो इधर कहीं है, ठीक है ना। दोनों प्लेट्स का जो प्लेन है वो अलग अलग है, तो इस केस में हम जब कनेक्शन करेंगे तो क्या करेंगे, दोनों जो प्लेट है या दोनों जो मेरे पास मेंबर है उनमें थोड़ी सी लैपिंग करवा देंगे। आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने क्या करवा दिया, इनको थोड़ा सा ओवरलैप करवा दिया, और ये जो पोर्शन है जो दोनों का कॉमन है इसमें क्या कर देंगे, कनेक्शन प्रोवाइड करवा देंगे यहाँ पे, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपके पास लेफ्ट जॉइंट प्रोवाइड कराया जाता है, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पे देखें आप, तो आप ऐसा मानिए एक प्लेट आपके पास ये रही, ठीक है ना, और दूसरी प्लेट आपके पास इसके नीचे है ये रही, ठीक है ना। दोनों प्लेट्स का अगर मैं प्लेन दे दूं तो आपको दिख रहा होगा अलग अलग है। इस प्लेट का अगर आप प्लेन देखेंगे तो ये रहा, ठीक है ना, और ऊपर वाली प्लेट का अगर मैं प्लेन देखूं तो ये रहा, ठीक है ना। दोनों अलग अलग है ना, तो मैंने क्या किया, इनमें थोड़ी सी लैपिंग करवाई, इनको थोड़ा सा ओवरलैप करवाया और यहाँ पे मैंने इनमें जॉइंट प्रोवाइड करवा दिया, ठीक है। यहाँ पे आप बोल्ट प्रोवाइड करवा सकते हो, रिवेट प्रोवाइड करवा सकते हो, क्योंकि बोल्ट और रिवेट दोनों केस में जो जॉइंट होते हैं वो आपके सेम होते हैं, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, आप ऐसा मांगिए कि मैंने यहाँ पे बोल्ट प्रोवाइड करवा दिया, ठीक है। एक बोल्ट आपका ये रहा, ठीक है ना, और दूसरा बोल्ट आपका ये रहा। ये जो आपको दिख रहा है ये आपको साइड व्यू दिख रहा है, ये आपको साइड व्यू दिख रहा है, ठीक है ना। आप इस चीज को साइड से देख लो, आप इस चीज को साइड से देख लो, ये आपके पास क्या बन गया है, यहाँ पे जॉइंट बन गया इस तरीके से, ठीक है। अगर आप इसको टॉप से देख रहे होते तो ये कैसा दिखता, उसको भी देख लेते हैं। ये मेरे पास एक प्लेट है, ये लो जी मैंने एक प्लेट बना दी, ठीक है ना, क्लियर। ये आपके पास दूसरी प्लेट है, यहाँ तक आ रही है, तो ये लो जी मैंने यहाँ पे दूसरी प्लेट बना दी, ठीक है। ये वाला जो आपके पास कॉमन पार्ट दिख रहा है, ये मैंने क्या कर रखा है, इनका ओवरलैप करा रखा है, ठीक है। आप साइड से जब देख रहे थे तो आपको एक लाइन का ओनली एक ही बोल्ट दिख रहा था, आप ऐसा मानिए कि इस लाइन में मैंने यहाँ पे तीन बोल्ट प्रोवाइड करवा रखे हैं, एक बोल्ट, दो बोल्ट, तीन बोल्ट। इसी तरीके से आप यहाँ पे देखोगे अगर, तो इस लाइन में भी मैंने तीन बोल्ट प्रोवाइड करवा रखे हैं, 1 2 3। तो ये तो हो गया आपका साइड व्यू, ये हो गया आपका साइड व्यू, और ये हो गया आपका टॉप व्यू, ये हो गया आपका टॉप व्यू, क्लियर है ना। तो इस तरीके से क्या करवाया जाता है, लेफ्ट जॉइंट प्रोवाइड करवाया जाता है, ठीक है ना। तो सबसे पहली लाइन लिखिए आप लोग इसमें, इट इज प्रोवाइड व्हेन कनेक्टिंग मेंबर्स हैव डिफरेंट प्लेन, डिफरेंट प्लेन। यहाँ पे आप देखोगे तो आपके पास जो कनेक्टिंग मेंबर है उनके जो प्लेन्स हैं वो क्या है, आपके अलग अलग है, ठीक है, क्लियर है बात। अब देखिए यहाँ पे, अगर इसमें जो बोल्ट लगा हुआ है उसका मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, इसमें जो बोल्ट लगा हुआ है उसका मैं अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो मुझे ये पता लग जाएगा कि ये जो बोल्ट लगा हुआ है इस पे कौन कौन सी स्ट्रेसेस आ रही है, ठीक है। अब ऐसा मानिए कि ये जो प्लेट थी नीचे वाली, इस पे इधर बोल्ट लग रहा है पी, और ये जो प्लेट है ऊपर वाली इस पे बोल्ट लग रहा है इधर साइड में पी, ठीक है ना। अब आप कुछ समझे कि अगर मैं इस बोल्ट को लेता हूँ, अगर मैं इस बोल्ट को लेता हूँ तो इस बोल्ट के जो नीचे वाला पार्ट है, इस बोल्ट के जो नीचे वाला हाफ पार्ट है वो नीचे वाली प्लेट के अंडर में आके किस साइड में जाना चाहेगा, इस साइड में जाना चाहेगा, ठीक है ना। और जो ऊपर वाला पार्ट है, ठीक
ठीक है, वो इस प्लेट के अकॉर्डिंग या इस प्लेट के साथ इस डायरेक्शन में जाना चाहेगा, ठीक है। तो अगर मैं इस बोर्ड को देखूं तो इस बोर्ड के ऊपर वाले हाफ पार्ट पे तो इधर साइड में फोर्स लग रहा है, किस साइड में, इस साइड में, और बॉटम वाला जो हाफ पार्ट है उस पे इस साइड में फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो इसका मैं क्या बनाता हूँ यहाँ पे, एफबीडी बनाता हूँ, तो एफबीडी ऑफ बोर्ड, ये आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कई बार, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे आपका ये बोर्ड बनाया मैंने, ठीक है ना। इस बोर्ड को अगर आप देखें तो इस तरीके से आपके पास ये बोर्ड दिखा होगा, इसका जो हाफ पार्ट है ऊपर वाला उस पे इस साइड में फोर्स लग रहा है आपका, तो मैंने यहाँ पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगा दिया, ये हो जी टॉप हाफ पार्ट पे क्या है, इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, और जो नीचे वाला हाफ पार्ट है उस पे उस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो इधर भी लगा देते हैं, ये लो इस पे इधर डायरेक्शन में भी फोर्स लग रहा है। अब आप कुछ सोचें यहाँ पे कि भाई ये जो मेरे पास बोल्ट है इसमें इस वाले सेक्शन से ऊपर वाला जो पार्ट है वो इस डायरेक्शन में जाना चाहता है इधर, और इससे जो नीचे वाला पार्ट है ये इस डायरेक्शन में जाना चाहता है। तो अगर यहाँ पे जो लोड लग रहा है, यहाँ पे जो लोड लग रहा है वो क्या हुआ, परमिसिबल लिमिट से ज्यादा हुआ, तो ये वाला जो सेक्शन है बोल्ट का यहाँ पे क्या होने लग जाएगा, क्रैक आने लग जाएंगे, स्लाइडिंग होने लग जाएगी, ठीक है ना। तो ये जो सेक्शन है बोल्ट का इस पे क्या डेवलप होगा, शियर डेवलप होगा, मतलब जो एक पार्ट है वो इधर जाना चाहता है, दूसरा पार्ट है वो उधर जाना चाहता है, ठीक है। रिलेटिव मूवमेंट है, रिलेटिव मूवमेंट है, तो यहाँ पे क्या जनरेट होगा, इस पे शियर जनरेट होगा, ठीक है। और इस पूरे की पूरे बोल्ट में ओनली एक ही सेक्शन या एक ही प्लेन ऐसा है जहाँ पे शियर डेवलप हो रहा है मेरा, ठीक है ना। तो इसे क्या लिख सकता हूँ मैं, इसे लिख सकता हूँ मैं शियर प्लेन, इसे लिख सकता हूं मैं शियर प्लेन, क्लियर है बात। तो अगर मैं ये बोलूं आपसे कि लैप जॉइंट में जो बोल्ट लगे हुए होते हैं, ठीक है, कि अगर लैप जॉइंट में जो हमारे बोल्ट लगे हुए होते हैं उन पे कौन-कौन सी स्ट्रेस वर्क करती है, अब यहाँ पे शियर प्लेन है, शियर आ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है शियर स्ट्रेस वर्क कर रही होगी, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पे आप देखें ये वाला पार्ट, ये प्लेट आपकी है, ठीक है, इस प्लेट का कुछ बैक में थोड़ा सा पार्ट है, आप ये देख सकते हो, ठीक है ना, इस प्लेट का बैक में थोड़ा सा पार्ट है, ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है बैक वाला, वो क्या करेगा, इस वाले बोल्ट के बैक साइड में पुश करेगा, धक्का लगाएगा इसको, ठीक है ना। तो जो मेरे पास बैक साइड वाली प्लेट है और ये जो बोल्ट है इसके बीच में क्या जनरेट होगा, बियरिंग जनरेट होगी, आप ऐसे समझे, ये मेरे पास बोल्ट है और ये प्लेट का पीछे वाला पार्ट है, तो इस तरीके से है, ठीक है। जब वो प्लेट आगे जाना चाहेगी तो ये जो प्लेट के पीछे वाला पार्ट है ये रिवेट को या बोल्ट को क्या करेगा, पुश करेगा, ठीक है ना। तो इस प्लेट में जो फोर्स है, जो स्ट्रेस है, वो किसके फॉर्म में ट्रांसफर होगी, बियरिंग के फॉर्म में ट्रांसफर होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो बोल्ट लगा हुआ है उस पे क्या और आएगा, बियरिंग स्ट्रेस भी आएगी, ठीक है ना। तो अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि जो मेरा जॉइंट है लैप, उसमें जो बोल्ट है उस पे क्या क्या लगेगा, तो उस पे भाई साहब शियर लगेगी, और शियर सिंगल लगेगी, क्यों, क्योंकि एक ही प्लेन पे लगेगी, ठीक है। आगे और भी केस आते हैं इसलिए इसको सिंगल शियर बोला जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो मेरा बोल्ट है उस पे सिंगल शियर लग रही है, और इसके अलावा बियरिंग से भी वो मेरा बोल्ट सब्जेक्टेड है, ठीक है ना। तो इसको आप नोट डाल के लिख लें, यहाँ पे नोट डाल के लिख लें, क्योंकि ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है आपसे, ईएसई में भी, इसके अलावा एएनजीएन एग्जाम में, तो इसमें लिखें बोल्ट या अगर रिवेट लगा हुआ है तो रिवेट का भी एरिया होगा, बोल्ट या रिवेट इन लैप जॉइंट are subjected to single shear and bearing, clear है बात, ठीक है, समझ में आ गई होगी आपको, इसको बनाएं फिर आगे चलते हैं। बना लिया होगा, हटा देता हूं मैं इसको, आगे चलते हैं लेफ्ट जॉइंट में। अब देखो यहाँ पे कुछ और बातें हैं लेफ्ट जॉइंट की, उनको समझ लेते हैं, और वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके। देखो मैंने लेफ्ट जॉइंट बनाया था, वापस से बना देता हूँ लेफ्ट जॉइंट को मैं, ये आपके पास प्लेट नंबर 1 थी, ठीक है, और ये नीचे इसके प्लेट नंबर 2 थी, ये इस पे नीचे प्लेट नंबर 2 आपकी, ठीक है। अभी इस केस में मैं ओनली एक ही बोल्ट बना रहा हूँ, तो यहाँ पे मैंने क्या कर रखा है, एक बोल्ट लगाया हुआ है, ये जो मेरा एक बोल्ट लगा हुआ है, ठीक है ना, ये आपका बोल्ट था, ये आपका बोल्ट यहाँ पे लगा हुआ है,
अब देखो जो ये प्लेट है कैसा मान लो इस पे फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में आपका, और ये जो प्लेट है इस पे फोर्स लग रहा है आपका उस डायरेक्शन में, ठीक है ना, क्लियर। अब अगर ये बोल्ट की मैं बात करूं, ठीक है ना, तो इस बोल्ट ने जितनी लेंथ प्लेट की कवर कर रखी है या जितनी थिकनेस प्लेट की कवर कर रखी है उसे बोला जाता है ग्रिप लेंथ। मतलब यहां से लेके प्लेट के टॉप पोर्शन से लेके और प्लेट के जो बॉटम पोर्शन है नीचे वाली का, इस लेंथ को बोला जाता है ग्रिप लेंथ। इस लेंथ को बोला जाता है ग्रिप लेंथ, तो इसे डिनोट करते हैं स्मॉल एल जी से, ठीक है। और मैं ऐसा मान रहा हूं यहां पे जो मैंने ये बोल्ट लगाया हुआ है इसका जो नॉमिनल डाया है वो है मेरे पास स्मॉल डी। मैं मान लेता हूं मेरे पास जो नॉमिनल डाया है यहां पे बोल्ट का या रिवेट का, अगर रिवेट लगाया हुआ है वो रिवेट हो जाएगा, ये है मेरे पास स्मॉल डी, क्लियर। ये बात हो गई आपकी। अब देखो यहां पे ये मेरे पास जो फोर्स है, मेरे पास जो प्लेट में फोर्स लग रहा है उसकी जो एक्टिंग लाइन है वो इस लाइन के अकॉर्डिंग है। जो फोर्स है उसकी जो एक्टिंग लाइन है या जिस लाइन पे वो एक्ट कर रहा है वो आपकी यहाँ पे, मैंने आपको डैश लाइन से होकर के दिखाई, क्लियर है। और अगर ये जो मेरे पास जॉइंट है, ये जो मेरे पास जॉइंट है जो मैंने लेफ्ट जॉइंट पे टोटल सारे बोल्ट लगा रखते हैं या जो रिवेट लगा रखे हैं उनका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी आएगा वो कहीं इस जगह पे आएगा, इसके सेंटर पे आएगा, ठीक है ना, समझ रहे हो बात को। यहाँ पे जो मेरे पास रिवेट या बोल्ट लगे हुए हैं उनका जो सीजी आएगा वो कहीं मिडिल में आएगा, और जो मेरे पास प्लेट पे फोर्स एक्ट कर रहा है चाहे आप इस वाली प्लेट को ले लो चाहे आप ऊपर वाली प्लेट को ले लो वो किस लाइन पे जा रहा है, इस लाइन पे जा रहा है, ठीक है ना। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो रिवेट या बोल्ट ग्रुप का सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, ठीक है, वहां से जो फोर्स है उनके बीच में कुछ डिस्टेंस है, उनके बीच में क्या है कुछ डिस्टेंस है, और इस डिस्टेंस को मैं शो कर देता हूँ स्मॉल ई से, जिसे अपन क्या बोलते हैं जनरली एसेंट्रिसिटी बोलते हैं। अब आपने एक बात पढ़ी होगी, अगर मेरे पास फोर्स जो है या एक्सटर्नल फोर्स जो है वो अगर किसी भी जॉइंट के सेंटर ऑफ ग्रेविटी से जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी से कुछ डिस्टेंस पे जाता है दैट मींस अगर उनके बीच में कुछ एसेंट्रिसिटी होती है तो वहां पे बेंडिंग मोमेंट का जनरेशन होता है, ठीक है। सेम कंडीशन यहाँ पे हो रही है, यहाँ पे आपका जो फोर्स है इस डायरेक्शन में है और आपका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ग्रुप का वो आपका इस पर्टिकुलर मिडिल साइड में, ठीक है ना, तो इन दोनों के बीच में एसेंट्रिसिटी है, इन दोनों के बीच में एसेंट्रिसिटी होने की वजह से क्या होगा यहाँ पे मोमेंट जनरेट होगा, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा ये मोमेंट जनरेट होगा और वो कितना होगा आपके पास m इक्वल टू p इनटू v, क्लियर ये बात, ठीक है। अब अगर यहाँ पे मेरे पास मोमेंट जनरेट हो गया तो मोमेंट की वजह से क्या आएगा यहाँ पे बेंडिंग स्ट्रेस आएगी, ठीक है, और ये जो बेंडिंग स्ट्रेस यहाँ पे डेवलप होगी इसको मैं चाहता नहीं था, ये जो बेंडिंग स्ट्रेस यहाँ पे डेवलप हो रही है ना मैं नहीं चाहता था कि बेंडिंग स्ट्रेस डेवलप हो, तो मेरे पास फालतू की डेवलप हुई है, ये क्या करेगी जो मेरा जॉइंट है उसकी एफिशिएंसी को डाउन करेगी, ठीक है, जो भी मेरा जॉइंट यहाँ पे बना हुआ है उसकी एफिशिएंसी को क्या करेगी ये डाउन करेगी, ठीक है ना। तो अभी तक तो ये जो बातें पढ़ी गई इनको लिख लीजिए आप लिखिए यहाँ पे मेरे साथ, इन लेफ्ट जॉइंट, इन लेफ्ट जॉइंट सेंटर ऑफ ग्रेविटी, या ऐसे लिखिए इन लेफ्ट जॉइंट देयर इज एसेंट्रिसिटी, देयर इज एसेंट्रिसिटी बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ब्रैकेट में स्मॉल कैपिटल पी एंड सीजी ऑफ जॉइंट, ड्यू टू दिस एसेंट्रिसिटी bending moment is developed, और bending moment कितना होगा आपके पास m is equal to p into e, ठीक है ना। आगे लिखें, due to this bending moment a bending stress which also generate in left joint या only joint लिख लीजिए आप, ठीक है, which decrease the efficiency
विच डिक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द जॉइंट। ये बात समझते हैं आपको, यहाँ पे आपके पास जो फोर्स है उसकी एक्टिंग लाइन और जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है उसके बीच में एसेंट्रिसिटी है, इस एसेंट्रिसिटी की वजह से एक मोमेंट जनरेट हुआ m = p * e और इस मोमेंट की वजह से मेरे पास एक बेंडिंग स्ट्रेस जनरेट हो गई इस जॉइंट में, जो क्या कर रही है इस जॉइंट की एफिशिएंसी को कम कर रही है। ये बात क्लियर हो गई। अब हमारे पास बात ये आती है कि भाई बेंडिंग मोमेंट जनरेट हो गया, उसकी वजह से बेंडिंग स्ट्रेस जनरेट हो गई और उसने क्या किया जॉइंट की एफिशिएंसी को कम कर दिया, तो हम क्या करें? ठीक है, हम क्या करें, हमारे पास कोई तो इलाज होना चाहिए ना। तो इस बेंडिंग स्ट्रेस से ओवरकम करने के लिए जो हमारे कोड है उन्होंने कुछ प्रोविजंस दिए। ठीक है, प्रोविजन क्या दिए, जैसे आप मानो कि ये जो जॉइंट था आपका, इस जॉइंट की जब स्ट्रेंथ निकाली थी मैंने, ठीक है, मुझे नहीं पता था कि इसमें बेंडिंग स्ट्रेस जनरेट हो रही है, तो मैंने इसकी जो स्ट्रेंथ निकाली वो आ गई थी मेरे पास 100 किलोन्यूटन, दैट सपोज। ठीक है, अब मुझे पता नहीं था कि भाई यहाँ पे बेंडिंग स्ट्रेस भी जनरेट होती है, मैंने उसका ध्यान ही नहीं रखा। ठीक है, अब हुआ क्या कि जैसे ही मैंने यहाँ पे लोड लगाया बेंडिंग स्ट्रेस जनरेट हो गई, ठीक है ना, और उसने क्या किया इस स्ट्रेंथ को कम कर दिया, ऐसा मानिए कि इसको 10 किलोन्यूटन कम कर दिया और ये मेरे पास रह गई 90 किलोन्यूटन। ठीक है ना, अब एक्चुअल में तो इसकी स्ट्रेंथ 90 किलोन्यूटन है लेकिन मैं इसको 100 किलोन्यूटन लेके बैठा हूँ, तो हो सकता है मैं इस पे 90 किलोन्यूटन से ज्यादा लोड बढ़ा दूं, मेरे पास क्या होगा जॉइंट ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा। ठीक है ना, तो अब मुझे करना क्या पड़ेगा कि जो मेरे पास इसकी डिजाइन स्ट्रेंथ है जो मैं फाइंड आउट कर चुका हूँ उसको एक रिडक्शन फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, उसे क्या करना पड़ेगा, एक रिडक्शन फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जिसकी वजह से जो यहाँ पे बेंडिंग स्ट्रेस थी उसका जो इफेक्ट है वो क्या हो जाए आपका खत्म हो जाए। ठीक है ना, तो इस जो रिडक्शन फैक्टर है इसके लिए जो हमारे हाईएस्ट कोड है उन्होंने कुछ प्रोविजंस दिए हुए हैं, उनको हम पढ़ते हैं। ये बना लिया होगा आपने, इसको हटा देता हूं मैं, या आपने बना लिया होगा नहीं तो इसको स्क्रीनशॉट ले लें या आप पॉज करके बना लें, व्हाटएवर। ठीक है ना, देखो आपको ग्रिप लेंथ पता है, यहाँ पे ग्रिप लेंथ होती है आपकी एल जी। ठीक है ना, डायमीटर है आपके पास स्मॉल डी, बोल्ट का या रिवेट का जो भी यहाँ पे कनेक्टेड है। तो हमारा जो इंडियन स्टैंडर्ड है तो यहाँ पे लिखे अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड कोडल प्रोविजन, अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड कोडल प्रोविजन, अगर आपके पास जो ग्रिप लेंथ है वो आपकी 5D से बड़ी है और 8D से छोटी है, तो इस केस में क्या करूंगा मैं, तो इस केस में क्या किया जाएगा, आपका जो आपका स्ट्रेंथ है जो आपकी डिजाइन स्ट्रेंथ है उसे एक रिडक्शन फैक्टर से मल्टीप्लाई किया जाएगा। ठीक है, इन दिस केस देन मल्टीप्लाई देन डिजाइन स्ट्रेंथ इज मल्टीप्लाइड बाय अ रिडक्शन फैक्टर, बाय अ रिडक्शन फैक्टर, और ये जो रिडक्शन फैक्टर होता है इसे अपन डिनोट करते हैं बीटा, इसे अपन डिनोट करते हैं बीटा एल जी से। ठीक है, एल जी का मतलब ग्रिप लेंथ। ठीक है, और इसकी जो वैल्यू होती है आपके पास वो होती है 8D डिवाइड बाय 3D प्लस में एल जी। ठीक है, ये होती है आपके पास 8D डिवाइड बाय 3D प्लस एल जी। अगर आपके पास एल जी 5D से बड़ा है तो यहाँ पे बॉटम पे आपके जो पास सम है वो आपका 8D से ज्यादा हो जाएगा और ये जो आपके पास रिडक्शन फैक्टर आएगा इसकी वैल्यू लेस देन बन रही। ठीक है ना, ये केस हो गया आपके पास। केस नंबर सेकंड ये है कि अगर आपके पास जो ग्रिप लेंथ है वो 8D से बड़ी हो जाए, वो आपके पास क्या हो जाए 8D से बड़ी हो जाए, तो इस केस में जो हमारी बेंडिंग स्ट्रेस है उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, आप यहाँ पे सीधा सीधा देखो कि ये अगर मेरे पास लेंथ बढ़ेगी, ये लेंथ अगर मेरे पास बढ़ेगी तो मेरे पास जो एसेंट्रिसिटी है उसकी वैल्यू भी क्या होगी बढ़ेगी, एसेंट्रिसिटी की वैल्यू अगर बढ़ेगी तो मेरे पास जो मोमेंट है वो भी क्या होगा बढ़ेगा। ठीक है ना, तो मोमेंट बढ़ेगा तो मोमेंट की वजह से स्ट्रेस बढ़ेगी। ठीक है ना, तो अगर यहाँ पे जो मेरी ग्रिप लेंथ 8D से बड़ी हो गई तो इस केस में जो बेंडिंग स्ट्रेस है उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाती है। ठीक है ना, और उसको अपन रिडक्शन फैक्टर लगा के कंपनसेट नहीं कर सकते। ठीक है ना, तो अगर आपके पास 8D की वैल्यू, सॉरी अगर आपके पास ग्रिप लेंथ की वैल्यू 8D से बड़ी हो जाती है तो इस केस में जो हमारा जॉइंट है उसको रीडिजाइन करना पड़ता है। ठीक है ना, तो इसमें लिख लीजिए देन बी रीडिजाइन
द जॉइंट। तो इस केस में क्या करोगे आप, जॉइंट को रीडिजाइन करोगे, ठीक है ना। अब आप एक बात मुझसे पूछोगे कि भाई आपने 5D से स्टार्ट कर दिया, अगर 5D से कम हुई तो, अगर आपके पास जो ग्रिप लेंथ है वो 5D से कम हुई तो, ठीक है ना। पहली बात तो ग्रिप लेंथ को इतना कम नहीं रखा जाता, ठीक है ना। और अगर 5D से कम होती है तो आपके पास जो ए की वैल्यू होती है वो बहुत कम आती है। आप तो सोच के देखो, अगर आपके पास ये वाली लेंथ कम होगी तो ए की वैल्यू भी कम आएगी, ठीक है ना। और ए की वैल्यू कम आएगी तो आपके पास मोमेंट की वैल्यू कम आएगी, मोमेंट की वैल्यू कम आएगी तो मोमेंट की वजह से जो बेंडिंग स्ट्रेस जनरेट हो रही है वो कम आएगी, ठीक है ना। तो अगर आपके पास एल जी की वैल्यू 5 डी से कम होती है तो उस केस में आपके पास जो बेंडिंग स्ट्रेस डेवलप होती है उसकी जो वैल्यू है वो बहुत कम होती है, उसको हम क्या कर देते हैं, नेगलेक्ट कर देते हैं, ठीक है। वो बहुत ज्यादा इफेक्ट हमारी स्ट्रेंथ पे नहीं डालती, ठीक है ना। तो ये बात हो गई हेप जॉइंट की। ये जो चीजें हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे जो बोल्ट की डिजाइन करेंगे, जॉइंट की डिजाइन करेंगे, तब भी ये जो रिडक्शन फैक्टर है हमारे काम में आएगा, ठीक है ना। तो ये हो गई बात आपकी लेफ्ट जॉइंट की, इसको बनाइए, फिर दूसरे टाइप का जॉइंट पढ़ते हैं। बना लिया होगा आपने, पॉज कर लिया करो बीच में, तो वैसे भी इंपॉर्टेंट है आपका। दूसरे टाइप का जो जॉइंट होता है आपका, दैट इज बट जॉइंट, दैट इज बट जॉइंट। हेडिंग डालें आप लोग अब, बट जॉइंट। अब देखो लेफ्ट जॉइंट में मैंने पढ़ा था कि जो मेरे कनेक्टिंग मेंबर हैं जिनको मैं आपस में कनेक्ट करना चाहता हूँ वो अलग अलग प्लेन में थे। अगर मेरे पास सेम प्लेन में हो तो, सेम प्लेन में होंगे तो, अब आप देखो सपोज करो, पहली बार को बट जॉइंट तब प्रोवाइड करते हैं, बट जॉइंट तब प्रोवाइड किया जाता है जब आपके पास जो कनेक्टिंग मेंबर है जिनको आप कनेक्ट करना चाहते हो वो सेम प्लेन में हो। देखो अगर आप यहाँ पे देखना चाहो तो मैंने एक प्लेट बनाई है, ये मैंने क्या कर दी, एक प्लेट बना दी, ठीक है। दूसरी प्लेट मैंने क्या करी, इसके जस्ट आगे बना दी, क्योंकि मुझे जो मेंबर है उनको सेम प्लेन में रखना है, ठीक है। तो आपके पास ये दो प्लेट है जिनका जो प्लेन है वो सेम है, एक ही प्लेन में है दोनों, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे आप लोग, अब अगर मैं यहाँ पे इनके बीच में बोल्टिंग या रिवेटिंग करना चाहूँ तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा प्लेट लानी पड़ती है, ठीक है, जिसे बोला जाता है कवर प्लेट। उसकी हेल्प से क्या करनी पड़ती है, यहाँ पे बोल्टिंग या रिवेटिंग करनी पड़ती है, ठीक है ना। तो जो कवर प्लेट होती है उसे हम एक साइड में भी प्रोवाइड करवा सकते हैं और उसको दोनों साइड में भी प्रोवाइड करवा सकते हैं, ठीक है। या तो एक साइड में प्रोवाइड करवा दो या दोनों साइड में प्रोवाइड करवा दो, या एक साइड में अगर मैंने प्रोवाइड करवाई है तो वो हो जाएगा आपके पास सिंगल कवर बट जॉइंट, अगर दोनों साइड में करवाई है तो वो हो जाएगा आपका डबल कवर बट जॉइंट, ठीक है ना। तो अगर इससे पहले आप लिख लीजिए कि बट जॉइंट क्या होता है, इसमें लिखे आप एक लाइन, बट जॉइंट इज प्रोवाइडेड, इफ कनेक्टिंग मेंबर्स ऐसे लिखें, इफ मेंबर विच इज टू बी कनेक्ट आर इन सेम प्लेन, आर इन सेम प्लेन, क्लियर ना, ठीक है। अब देखो मैंने आपको बताया कि जो कवर प्लेट है अगर वो एक साइड प्रोवाइड करवा रखी है तो सिंगल कवर हो जाएगा, दो साइड प्रोवाइड करवा रखी है तो डबल कवर हो जाएगा, ठीक है। तो पहला डालिए बट जॉइंट में, पहला जो टाइप है दैट इज सिंगल कवर, सिंगल कवर बट जॉइंट, ठीक है, सिंगल कवर बट जॉइंट। इसमें लिखे आप एक लाइन क्या, कि इस पर्टिकुलर केस में एक कवर प्लेट प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। तो इसमें लिखें, इन दैट जॉइंट, इन दैट जॉइंट वन कवर प्लेट इज प्रोवाइडेड, इज प्रोवाइडेड, ठीक है। अगर इसका आप फिगर बनाओ तो आसानी से बना सकते हो, ये आपके पास प्लेट नंबर वन, ठीक है, इसे बोलते हैं अपन मेन प्लेट, और ये आपके पास दूसरी प्लेट जिनको अपन को क्या करना है, कनेक्ट करना है। तो ये क्या हो गई आपके पास, ये हो गई आपकी मेन प्लेट, ठीक है। इसके ऊपर क्या कर रहा हूं मैं, सिंगल कवर बट जॉइंट है तो एक कवर प्लेट प्रोवाइड करवाऊंगा। तो ये लोग मैंने यहाँ पे क्या कर दी, एक कवर प्लेट प्रोवाइड कर दी। तो इनके ऊपर ये आपको ब्लू कलर में दिख रही होगी, ये क्या हो जाएगी आपकी कवर प्लेट हो जाएगी, ठीक है ना, क्लियर है। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इनपे रिवेटिंग या बोल्टिंग प्रोवाइड करवा दूंगा। तो ये मैंने क्या करवा दी यहाँ पे,
बोल्ड प्रोवाइड कर रहा हूँ। ये हो गई मेरे, ये हो गए बोल्ड, ये हो गए मेरे क्या बोल्ड, ठीक है ना। रिवेटिंग ज्वाइन करना है, रिवेटेड ज्वाइन करना है तो आप यहाँ पे रिवेटेड प्रोवाइड करवा दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। बोल्टेड ज्वाइन करना है तो आप यहाँ पे बोल्ट प्रोवाइड करवा दीजिए। ये जो व्यू है आप आपको आपको साफ साफ पता लग रहा होगा, ये आपका साइड व्यू, ठीक है। आपको जो लाइन है रिवेट की या बोल्ट की वो साइड से दिख रही होंगी, इसलिए आपको एक दिख रहा है, इसके पीछे तीन चार पांच से कितने भी हो सकते हैं, ठीक है ना। अब अगर आप यहाँ से देखें, इसमें समझे एक बार, इस प्लेट पे अगर कोर्ट मेरे पास इधर लग रहा है, ठीक है ना, और इस प्लेट पे मेरे पास कोर्ट इधर लग रहा है, तो आप देखो समझना, इस अगर बोल्ट का मैं एफबीडी बनाऊं, इस बोल्ट का अगर मैं एफबीडी बनाऊं, तो मुझे ये पता लग जाएगा कि इस बोल्ट पे कौन कौन सी स्ट्रेस मेरे पास आ रही है। तो यहाँ पे बना लेते हैं इसका एफबीडी, एफबीडी ऑफ बोल्ट बना लो, जिससे पता लग जाए कि भाई कौन कौन सी स्ट्रेस आ रही है। क्यों? क्योंकि एग्जाम में पूछी जाती है। ये देखो, ये बनाया मैंने यहाँ पे बोल्ट, ये बना दिया मैंने यहाँ पे बोल्ट, इसका कलर वहां पे चेंज कर दिया है, यहाँ पे लाल कलर का था, यहाँ पे आके काला कलर का हो गया, ठीक है ना, वहां पे पुताई कर रखी है, ऐसा मान लो। अब देखो, ये जो प्लेट है, मेन प्लेट है, इस पे फोर्स लग रहा था P, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। अब देखो फोर्स ट्रांसफर कैसे होता है, पहली बात तो इस प्लेट पे फोर्स P है, ये प्लेट का जो फोर्स है ये इस बोल्ट की हेल्प से कवर प्लेट पे जाएगा, ठीक है। फिर कवर प्लेट से इधर ये मूव करता हुआ इस अगले वाले बोल्ट की हेल्प से उस नेट प्लेट पे जाएगा और आगे स्ट्रक्चर में चला जाएगा, ठीक है ना। तो अब अगर मैं देखूं तो जो मेरे पास बॉटम पार्ट है, इस बोल्ट का जो बॉटम पार्ट है उस पे फोर्स किधर लग रहा है, इस डायरेक्शन में लग रहा है, जबकि जो अपर पार्ट है उस पे किधर लग रहा है, इस डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है ना। तो अगर मैं यहाँ पे फोर्स देखूं तो जो टॉप पार्ट है हाफ उस पे इधर फोर्स और बॉटम पार्ट पे इधर फोर्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा मेरे पास, सेम है, एक शियर प्लेन जनरेट हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा मेरे पास, एक शियर प्लेन जनरेट हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर एक शियर प्लेन जनरेट हो गया मेरे पास, तो इसमें शियरिंग लगनी होगी और उसे क्या बोलेंगे अपन, सिंगल शियर बोलेंगे, ठीक है। इसके साथ प्लेट के बैक में थोड़ा सा पार्ट है और ये जो पार्ट है ये बोल्ट पे क्या लगा रहा होगा, बियरिंग स्ट्रेस लगा रहा होगा, ठीक है ना। तो आपको एक बात समझ में आ गई कि भाई सिंगल कवर बट जॉइंट में जो भी मेरे पास बोल्ट के रिवेट लगे हुए हैं उनपे क्या क्या एक्ट कर रहा होगा, वो आपके सिंगल शियर और बियरिंग से सब्जेक्टेड होंगे, उनपे सिंगल शियरिंग स्ट्रेस और बियरिंग स्ट्रेस वर्क कर रही होगी, ठीक है ना। तो इस बात को लिख लीजिए, ये आपसे एग्जाम में काफी बार पूछ ली है, ठीक है ना। लिखे इसमें, इसमें लिखे आप, इन सिंगल कवर बट जॉइंट, इन सिंगल कवर बट जॉइंट बोल्ट या रिवेट जो भी है are subjected to single shear and bearing, single shear and bearing, clear है, कोई problem नहीं इसमें। बनाए इसको, हाँ तो ये बना लिया होगा। अब जो आपके पास next type का butt joint है, that is डबल कवर बट जॉइंट, तो आप हेडिंग डालें डबल कवर बट जॉइंट, ठीक है। इसमें ये जो क्वेश्चन है ये कई बार पूछा जा चुका है, ईएससी में भी पूछा जा चुका है और एसएससी जेई या किसी भी अदर एजेई में पूछा जा चुका है कि भाई अगर मेरे पास लेफ्ट जॉइंट है तो उसमें बोल्ट पे कौन कौन सी स्ट्रेस आ रही होंगी, ठीक है ना। इस तरह के क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो बट जॉइंट का जो सेकेंड टाइप है, दैट इज डबल कवर बट जॉइंट, डबल कवर बट जॉइंट, इसमें साफ साफ पता लग रहा है आपको नाम से कि इसमें दो कवर प्लेट प्रोवाइड की जाएगी। तो बना लीजिए इसका फिगर साइड में, ये आपके पास मेन प्लेट नंबर वन, ये आपके पास मेन प्लेट नंबर टू, ठीक है ना। ये आपके पास दो मेन प्लेट हो गई, ये हो गई आपके पास मेन प्लेट, क्लियर है। अब यहाँ पे क्या करेंगे अपन, दो कवर प्लेट प्रोवाइड करवाएंगे, तो ये कवर प्लेट नंबर वन मेरी और ये कवर प्लेट नंबर टू, ये हो गई आपके पास कवर प्लेट। और यहाँ पे आपको जो भी करना है, रिवेटिंग करनी है तो रिवेटिंग, बोल्टिंग करनी है तो बोल्टिंग कर दीजिए, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, बोल्ट प्रोवाइड करवा रहा हूँ, ये मेरे पास बोल्ट नंबर वन जो कि इधर लगा हुआ है, ठीक है ना, और ये आपके पास बोल्ट नंबर टू जो आपका इस जगह पे लगा हुआ है, ये लिखिए, जो है आपका दूसरा नंबर का, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पहली बात तो समझो,
कि यहाँ पे जो फोर्स है, जो मेरे पास मेन प्लेट पे फोर्स आ रहा है, ठीक है, जो मेरे पास एक्सटर्नल फोर्स आ रहा है, उसकी जो एक्टिंग लाइन है वो यहीं पे है, ठीक है। और ये जो जॉइंट है मेरे पास बोल्ट का, रिवेट का, उसका जो सीजी आता है वो भी लगभग यहीं पे आता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एसेंट्रिसिटी आपकी नेग्लिजिबल है, बहुत कम है, होगी तो नेग्लिजिबल होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो पेंडिंग मोमेंट मेरे पास फालतू का जनरेट हो रहा था उनके केस में वो नहीं होगा, ठीक है ना। अगर वो नहीं होगा तो मेरे पास कोई भी बेंडिंग स्ट्रेस जनरेट नहीं होगी जो इनकी एफिशिएंसी को डाउन करेगी, ठीक है ना। तो इसकी जो एफिशिएंसी आएगी वो सबसे बेस्ट आएगी। तो जो डबल पावर बट जॉइंट होता है वो सबसे ज्यादा एफिशिएंट जॉइंट माना जाता है, किसमें, तीनों की तीनों जॉइंट में, ठीक है ना। तो यहाँ पे दो चार बातें लिख लीजिए। पहले तो लिख लीजिए इन दैट जॉइंट टू कवर प्लेट्स आर यूज। दूसरी बात आपकी, इट इज मोस्ट एफिशिएंट जॉइंट, इट इज मोस्ट एफिशिएंट जॉइंट अमंग ऑल, जितने भी हमारे पास जॉइंट है, लेग जॉइंट, सिंगल कवर और डबल कवर, उनमें ये क्या है, मोस्ट एफिशिएंट जॉइंट, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो मैं अगर इस बोल्ट का क्या बनाऊं, फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, अगर मैं इस बोल्ट का क्या बनाऊं, फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, तो पहले तो आप लोड डिस्ट्रीब्यूशन समझो। ये मेन प्लेट का लोड है पी, ये यहाँ पे जाएगा और इस बोल्ट की हेल्प से आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट होके आधा इस कवर प्लेट पे और आधा इस कवर प्लेट पे, दोनों पे चला जाएगा, ठीक है ना। तो अगर इस पर्टिकुलर बोल्ट का मैं क्या बनाऊं, एफबीडी बनाऊं, तो बनाते हैं यहाँ पे एफबीडी ऑफ बोल्ट। इससे मुझे क्या पता लगेगा कि भाई इस पे कौन कौन सी स्ट्रेस आ रही है। तो ये लो जी, इसका एफबीडी बना देते हैं। ये आपके पास बोल्ट रहा सेम टू सेम, वहां पे लाल कलर का था, इधर ये काला कलर का होगा, ठीक है। अब देखो इसमें जो बीच वाला सेंट्रल पार्ट है, ये जो सेंट्रल पार्ट है इसका, इधर तो फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, और वो कितना है आपके पास, P के बराबर है। तो ये लो, ये जो आपके पास पार्ट है यहाँ पे फोर्स लग रहा है कैपिटल P के बराबर, और इस डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है ना। इस बोल्ट की हेल्प से आधा फोर्स आपके पास ऊपर वाली कवर प्लेट पे जाएगा, आधा फोर्स नीचे वाली पे जाएगा, और दोनों किधर लगेंगे आपके पास, इस डायरेक्शन में लगेंगे, ठीक है ना। देखिए आधा जो आपके पास P बाई टू था वो इधर चला गया, ये लो जी P बाई टू, और आधा नीचे वाली कवर प्लेट पे चला गया, ये लो जी P बाई टू, ठीक है ना। अब अगर आप इस बोल्ट में ध्यान से देखें तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे दो शियर प्लेन डेवलप होंगे, एक शियर प्लेन ये वाला और दूसरा शियर प्लेन ये वाला। दैट मींस अगर मेरे पास बहुत ज्यादा एक्सेसिव लोड बढ़ेगा, इसकी लिमिट से ज्यादा बढ़ेगा, तो मेरा जो बोल्ट है दो जगह से टूट सकता है, शियर आउट कर सकता है, ठीक है, इसमें शियर फेलियर हो सकता है, क्लियर है ना। तो यहाँ पे आपके पास दो शियर प्लेन जनरेट होंगे, दैट मींस यहाँ पे दो जगह पे शियर स्ट्रेस जनरेट होगी, इसे बोला जाता है डबल शियर, ठीक है ना। और सेम टू सेम आप देखना चाहो तो यहाँ पे प्लेट का पीछे वाला पार्ट है जो कि बोल्ट पे क्या करेगा, बियरिंग स्ट्रेस जनरेट करेगा। तो अगर आपसे मैं ये पूछूं कि जो मेरा डबल कवर बट जॉइंट है, इसमें जो भी आपका बोल्ट या रिवेट लगा हुआ है, उस पे कौन कौन सी स्ट्रेस वर्क कर रही होगी, तो भाई साहब शियर स्ट्रेस वर्क कर रही होगी दो जगह पे और बियरिंग स्ट्रेस कर रही होगी। तो इसमें ये बोल सकता हूँ मैं कि जो मेरे पास बोल्ट है वो किस किस से सब्जेक्टेड है, वो डबल शियर और बियरिंग से सब्जेक्टेड है। तो इसको लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, पूछ रही है कई बार। तो इसमें लिखे आप इन डबल कवर बट जॉइंट, इन डबल कवर बट जॉइंट बोल्ट और रिवेट, कुछ भी हो सकता है। मैं बोल्ट और रिवेट इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको कई बार बोल्ट का क्वेश्चन मिल जाएगा, कई बार रिवेट का मिल जाएगा। तो जॉइंट मैंने आपको बता दिया कि सेम ही होते हैं दोनों केस में। तो जो डबल कवर बट जॉइंट में मेरे पास बोल्ट और रिवेट लगे हुए हैं वो क्या होंगे, सब्जेक्टेड टू डबल शियर एंड बियरिंग, डबल शियर एंड बियरिंग। इंपॉर्टेंट है, तीनों के याद रखना, ठीक है। लेफ्ट जॉइंट जो था उसमें सिंगल शियर और बियरिंग था आपका, जो आपका सिंगल कवर बट जॉइंट था उसमें भी सिंगल शियर और बियरिंग था, लेकिन जो डबल कवर बट जॉइंट है उसमें आपका डबल शियर और बियरिंग में, ठीक है ना, क्लियर है। तो ये आपके पास तीन तरह के या मेनली दो तरह के रिवेटेड कनेक्शन या बोल्टेड कनेक्शन में क्या होते हैं, जॉइंट होते हैं, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो से अपन फेलियर देखेंगे, फेलियर और आईएम जो प्रोविजन है कनेक्शन के उनको पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद आपकी जो जॉइंट की डिजाइन है वो चालू हो जाएगी।
क्लियर है। अभी तो अपन इनके एक तरीके से स्पेसिफिकेशन पढ़ रहे हैं, टाइप पढ़ रहे हैं, क्लियर है। तो ये हो गया, आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में पूछिए, ठीक है। थैंक यू, हैव अ गुड डे।